रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रदेश भर में अवैध कब्जों को हटाने का काम बदस्तूर जारी है। बिलासपुर जिला में भी भाखड़ा विस्थापितों द्वारा तय सीमा से अधिक कब्जों को हटाने का काम जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने मिलकर किया, जिसको लेकर बिलासपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेसियों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ चंपा पार्क में से डीसी ऑफिस तक एक रैली निकालकर इसका विरोध जताया गया। हाईकोर्ट के आदेशानुसार जहां प्रदेश भर में अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जिला प्रशासन को दिए गए हैं, तो वहीं बिलासपुर शहर में भी भाखड़ा विस्थापितों द्वारा तय सीमा से अधिक के कब्जों को हटाने का काम 23 दिसंबर को जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर बिलासपुर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने चंपा पार्क से डीसी कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भी भेजा गया। वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का कहना है कि भाखड़ा विस्थापितों के कब्जे को किसी भी हालत में नहीं गिराने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विस्थापितों के कब्जे को नियमित करने की मांग भी की है। जनता पार्टी की सरकार ने भाखड़ा विस्थापितों के 80 हल्लों को तोड़ने का फैसला लिया है और 23 तारीख से उन्होंने फैसला किया है कि बिलासपुर के जितने भी भाखड़ा विस्थापित हैं, जिन्होंने मजबूरीवश कब्जे करे हैं, उनके मकानों को तोड़ दिया जाएगा। जिसके विरोध में आज हमने सांकेतिक एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन रखा है। आज हम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को और जयराम जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि बिलासपुर के हम किसी भी शहरवासी का, किसी भी भाखड़ा विस्थापित का मकान नहीं टूटने देंगे, किसके रोजगार के कुठाराघात नहीं होने देंगे, किसी का खोखा नहीं टूटने देंगे, किसी की रेड़ी को नहीं टूटने देंगे। और यदि इस दमनकारी सरकार ने लोगों के ऊपर इस प्रकार का फैसला करने की कोशिश की, किसी का मकान तोड़ने की कोशिश की, किसी का खोखा हटाने की कोशिश की, तो सरकार को, प्रशासन को हमारी लाशों के ऊपर से डोजर को ले जाना पड़ेगा, लेकिन हम ये काम होने नहीं देंगे। और मैं नड्डा जी को ये कहना चाहूँगा कि आपका देश है, आपका ये जिला है, आपका ये चुनाव क्षेत्र है, जहाँ से आपने वोट लिए और आपने लोगों को छला, लोगों को ठगा, लोगों को आपने कहा कि मैं भाखड़ा विस्थापितों की सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। हल तो थोड़ी दूर की बात है, यहाँ पे तोड़ने की बात आ गई है, लोगों के मकानों को तोड़ने की बात हुई हो रही है। मैं माननीय नड्डा जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री जी को आदेश करें कि मेरे बिलासपुर शहर के किसी भी शहरवासी के मकान को तोड़ा ना जाए, किसी के खोखे को उजाड़ा ना जाए। ऐसा मैं निवेदन माननीय नड्डा जी आपसे करना चाहूँगा। मेरा आपसे भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये जो सरकार कोई बात नहीं सुन रही है, तो हमारी आपके साथ भी गुजारिश है कि आप इसमें इंटरफेरेंस करें। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।